हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज गुमनाम बाबा और आपको इस चैनल पे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दुनिया भर से जितने भी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो नेटफ्लिक्स को ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ है इसे 2022 के सेकंड क्वार्टर में, मतलब कि अप्रैल से जून के बीच में, जो कि सबसे ज्यादा क्वार्टरली सब्सक्राइबर लॉस है इस कंपनी की हिस्ट्री के अंदर। जिसकी वजह से अब नेटफ्लिक्स प्लान कर रहा है कि वो एड्स स्टार्ट कर देगा अपनी वीडियोस के ऊपर, और उन एड्स को स्टार्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स क्लोजली वर्क कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और कुछ आर्टिकल्स ये भी आ रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग प्लान भी इनिशिएट करने वाला है 5 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। बाकी मैंने पूरा आर्टिकल वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और गाइज, आपको क्या लगता है इतने सब्सक्राइबर लॉस होने के पीछे का रीजन क्या है। तो चलो गाइज, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे करीना कपूर खान को बहुत ज्यादा पॉक किया जा रहा था और उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि वो 3rd टाइम प्रेग्नेंट हैं। और कुछ आर्टिकल्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे जिसमें लिखा हुआ था तैमूर हैज अनदर राइवल, करीना कपूर खान इज प्रेग्नेंट फॉर द 3rd टाइम। जिसके रिस्पॉन्ड में करीना कपूर खान ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करते हुए बताया, इट्स दी पास्ता एंड वाइन गाइज, काम डाउन, आई एम नॉट प्रेग्नेंट, सैफ सेज ही हैज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड वे टू मच टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, इंजॉय। तो भाई उन्होंने कंफर्म करते हुए बता दिया कि जितने भी रूमर्स फैल रहे थे वो सारे रूमर्स ही थे। तो भाई कांग्रेचुलेशंस उन सभी को जिनको दर्द हो रहा था करीना की प्रेगनेंसी को लेके। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें कि केरला के NEET एग्जाम के अंदर मोर देन 100 गर्ल्स को बोला गया था उनके अंडर गारमेंट्स उतारने के लिए, क्योंकि उनके अंडर गारमेंट्स के अंदर मेटल हुक्स और अंडरवेयर होते हैं, और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन गर्ल्स को अंडर गारमेंट्स उतारने के लिए बोला गया था, जिसकी वजह से कुछ गर्ल्स के पेरेंट्स ने कंप्लेन फाइल कर दी थी। तो आज इस चीज के ऊपर एक फीमेल मेडिकल एस्पिरेंट ने बताया, वी हैड टू कवर आवरसेल्फ विद आवर हेयर्स एज वी डिड नॉट हैव अ दुपट्टा एंड वी हैड टू सिट विद मेल एस्पिरेंट्स। बाकी यार इस चीज के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है, इसलिए मैंने पहले भी ये स्टोरी कवर नहीं करी थी। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो इस साल मैनी स्टेट्स के अंदर क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स हुए, लेकिन जो नंबर ऑफ एब्सेंट है पिछले कुछ सालों के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस साल। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रजिस्टर तो किया बोर्ड एग्जाम के अंदर, लेकिन एग्जाम के अंदर वो एंटर नहीं हुए। तो गाइस, आपको क्या लगता है इस चीज के ऊपर, ये कोविड इफेक्ट है या फिर कोई और रीजन है। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो एक लड़के ने ट्वीट किया जिसमें उसने पंजाब पुलिस को और DGP पंजाब पुलिस को टैग किया हुआ था, और उसने ट्वीट में लिखा हुआ था कि मैंने एक वुमेन को आई लाइक यू का मैसेज भेजा और उसके हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा और अब मुझे डर लग रहा है कि मैं सेफ हूँ भी या नहीं। मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ। सर, आई सेंड आई लाइक यू मैसेज टू समवन, हर हस्बैंड कम एंड बीटिन मी बैडली यस्टरडे नाइट, इवन आई अपोलोजाइज अगेन एंड अगेन, बट नाउ आई एम वरिंग अबाउट माई सेफ्टी, प्लीज डू नीडफुल, प्लीज हेल्प एंड सेव माई लाइफ टू। जिसके रिस्पॉन्ड में पंजाब पुलिस ने ट्वीट करते हुए बताया कि उसके हस्बैंड को मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उनको हमारे पास आके कंप्लेन लिखवानी चाहिए थी और हम डिसाइड करते कि आपके ऊपर कौन सी धारा लगती। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नॉट श्योर वट यू आर एक्सपेक्टिंग ऑन ए अनवॉन्टेड मैसेज टू अ वुमेन, बट दे शुड नॉट हैव बीटन यू अप, दे शुड हैव रिपोर्टेड यू टू अस एंड वी वुड हैव सर्वड यू राइट अंडर राइट सेक्शन ऑफ लॉ, बोथ दीज ऑफेंस विल बी ड्यूली टेकन केयर ऑफ एज पर लॉ। तो सही में यार पंजाब पुलिस ने बता दिया कि वो भी किसी से पीछे नहीं है और कानूनी मैटर्स को कानून के हिसाब से ही सॉल्व किया जाएगा। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।